नमस्कार, मैं सैयद इसरार और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश का हर नागरिक भी मानता है, लेकिन गढ़ाकोटा नगर पालिका इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। गढ़ाकोटा नगर पालिका केस हारने के बाद भी जगह पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस जगह के मालिक नायक परिवार ने नगर पालिका और स्थानीय मंत्री और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन मंत्री के दबाव में काम कर रहा है। तो क्या है रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। गढ़ाकोटा में निर्माणाधीन बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स विवादों में आ गया है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने वाले नायक परिवार ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। परिवार का आरोप है कि गढ़ाकोटा बस स्टैंड पर हमारी पैतृक संपत्ति खसरा नंबर 342-1, 342-2 जो 64 डिसमिल है, जिस पर नगर पालिका अवैध निर्माण करा रही है। यह मामला नगर पालिका सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी, लेकिन मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला हार जाने के बाद भी नगर पालिका इस जगह पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले में नायक परिवार का कहना है कि स्थानीय मंत्री की सह पर पूरा निर्माण चल रहा है। हमने अपने कब्जे का बोर्ड भी लगाया था जो उखाड़ दिया गया। तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक कब्जे की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उस पे नगर पालिका है जो अवैध निर्माण करा रही है, उसमें वहाँ पे माननीय श्री गोपाल भार्गव का पूरा हाथ है। और वो एक प्रकार से कहा जाए उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। हमने उसमें डिस्टी भी लगवाया था 17/7/2017 में, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी जा रही है। अभी प्रेजेंट में हमने बोर्ड लगवाया तो उसमें भी दीपू भार्गव जी आए और उनने बोर्ड निकलवाया, और बोर्ड निकलवाने के बाद उनने हमारे घर भिजवा दिया और बुलवा दिया कि आप अगर इसी प्रकार से करते रहे तो जहां आप रह रहे हैं वो भी हम आपको वहां भी नहीं रहने देंगे। इसमें सीधी सीधी गुंडागर्दी चल रही। मामला ये अपना 64 डिसमिल का मामला है जो रकवा है 342-1, 342-2, क्रमशः 30 डिसमिल और 44 डिसमिल। तो इस पे हमारा और नगर पालिका का बहुत समय से विवाद चला रहा था, जो कि फैसला सुप्रीम कोर्ट तक सुरक्षित अपने पक्ष में रखा हुआ है। वो भी सर कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ उनको नोटिस भी प्राप्त हो रहे हैं जो वो जा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो ना तो तहसीलदार सुनता है, कलेक्टर के पास भी आवेदन लगा हुआ है ना कलेक्टर सुनते हैं। तहसीलदार के यहाँ जैसे आवेदन भी देते हैं तो वो नहीं लेते, CMO के पास देते तो वो भी नहीं लेते। वो तो अपन को पोस्ट के द्वारा भी भेजना पड़ता है, ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है, ना ही नगर पालिका सुन रही है, ना ही जो शासन में बैठे हैं आदमी ना वो सुन रहे हैं। गढ़ाकोटा नगर पालिका का शहर में आए कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले बड़े पुल के पास तिवारी परिवार की जगह एवं सोनी परिवार की जगह पर भी विवाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।